हाय गाइस, मेरा नाम है अमू गुप्ता। आप है फ्रेश फाउंडर पर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो है एमआई नोट 5 प्रो और 5 की सेल पे। तो जो जैसा जानते हैं हम कि रेडमी नोट 5 और 5 प्रो लॉन्च हुए थे और साथ में एमआई टीवी भी लॉन्च हुआ था, तो उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात ऐसी है कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें एक एक्सटेंशन के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम है फ्लिप शॉप, क्योंकि मैं अभी मोटी मोटी बात करूँगा, घुमा फिरा के बात यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे एक जो क्रोम यूज़र्स के लिए एक एक्सटेंशन दिया हुआ है जिसका नाम है फ्लिप शॉप, जो दावा करता है आपको कि ये आपको एक ना एक रेडमी नोट 5 तो यार खरीदवाई देगा। रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 5 प्रो या एमआई टीवी, जो भी आप चाहो वो एक खरीदवाई देगा। और ये पूरी जो वीडियो है, ये जो आपके सामने चली गई, वो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करी है अपने मोबाइल से, तो अगर आप देखना चाहो तो आप पूरी देख सकते हो। अब बाद में थोड़ी ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हो रहा है वो मेरे को ये लग रहा है कि जैसे कि काफ़ी सारी वीडियोस बनी थी कि जैसे एमआई का सुनने में आया कि वो स्कैम कर रहा है, यहाँ पे अभी भी वो रुक नहीं रहा है। और यहाँ तक कि जो एमआई के ऑफिशियल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी लोगों को घुमाया जा रहा है, लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एमआई का स्टोर है। मैं यहाँ पे 4 या 5 बार ही गया अप्रॉक्सीमेटली, और हर बार ही मेरे को ये सुनने को मिला, भैया आप संडे को आ जाना। मैं संडे को गया, भैया नेक्स्ट संडे, आज मैं गया, भैया सॉरी यार आपको तो मंडे को आना चाहिए था, क्योंकि मंडे को ही। मैंने कहा भैया अब कब अवेलेबल होगा मोबाइल फ़ोन? करे 8 या 9 दिन में, 8 9 दिन में आप फिर से विज़िट कर लेना। तो भाई ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, मतलब समझ नहीं आ रही बात। अब जो है एक्सटेंशन है वो दावा तो करती है, लेकिन जो लास्ट वाली में तो मैंने ट्राई नहीं किया, जो एमआई नोट 5 की 5 और 5 प्रो की सेल थी, बट लास्ट टू लास्ट वाली में मैंने ट्राई किया बाय करने के लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, बट फिर भी आई ट्राइड। और ट्राई करने के बाद जब मैंने ये एक्सटेंशन भी ट्राई करी, तो इन जस्ट 3 सेकेंड्स आप सोच सकते हो कि कितने पीस ऐसे होते हैं यार, कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 4 लाख पीस, 5 लाख पीस जितने भी हैं, कितने लोग खरीदने बैठे होंगे, जो खाली मुश्किल से 3 सेकेंड भी सेल नहीं चली। और जब इसने मतलब जस्ट मैंने क्लिक कर दिया, मेरी कार्ट में आ गया, मैंने जस्ट उस पे मतलब बाय नाउ पे क्लिक किया तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यहाँ तक कि जब वो दिखा रहा है कि हाँ मैंने परचेज पे भी क्लिक किया, फिर वो दिखा रहा है यस यू आर इन क्यू प्लीज़ वेट, जब मैं क्यू में हूँ तो मैं आउट ऑफ स्टॉक, मेरा मोबाइल कैसे हो सकता, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही कि जो एक्सटेंशंस हैं ये वर्क कैसे कर रही हैं, अगर ये बॉट्स चला रहे हैं, जैसे कि होता है मैकेनिज्म कंप्यूटर्स में कि बॉट्स रिफ्रेश कर रहे हैं और पर सेकंड के हिसाब से आपको मिल रहे हैं 500 क्लिक। तो अगर कितने लोगों ने एक्सटेंशंस डाल रखी हैं और इसकी वजह से जो जो ओरिजिनल बायर्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन नहीं मिल पा रहा, तो ये भी एक इशू है। अगर इस टाइप की एक्सटेंशन अवेलेबल हैं गूगल क्रोम पे और लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी यूज़ करने के लिए ट्राई किया कि देखे तो यार चीज़ क्या है, और जानने तो चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। अगर ऐसा कोई चीज़ है कि जो ओरिजिनल कस्टमर है उसको तो चीज़ मिल नहीं रही है, बट जो एक्सटेंशन और ये फलाना ढिमका जो है ऐसी फालतू की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं तो एक बहुत बकवास चीज़ हो सकती है ये। और अगर आप खुद भी ऐसी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आई मस्ट से कि आप इसको रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ जो ओरिजिनल कस्टमर्स हैं उनको यार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। और जहाँ तक बात रही जो ऑफिशियल स्टोर वाले हैं, अगर आप भी ऐसे, अगर आपको भी ऐसे घुमाया जा रहा है ऑफिशियल स्टोर्स पे जाके कि नहीं भैया आज नहीं और एक हफ़्ते बाद, फिर एक हफ़्ते बाद, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो आता है वो ये आता है कि आप सब ये कर क्या सकते हैं, एक मास मूवमेंट चला सकते हैं। एमआई एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, बहुत अच्छे फ़ोन्स बना रही है, बजट फ़ोन्स बना रही है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है फ़ोन से, और एक अच्छी को अच्छे प्राइस में अच्छा मोबाइल फ़ोन मिलता है। लेकिन अगर लोगों को काटोगे यार तो फिर तो काम नहीं बनेगा। उससे तो फिर अच्छा है कि यार आप मतलब जो स्टोर्स हैं वहाँ पे जाके बंदा अगर 14,000 की बजाय 15,500 का ही ख़रीद लेगा, तो आप ही वो फिक्स्ड ही प्राइस रखो। अगर आपको उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करना है जो आपको थोड़ा मतलब टेबल के नीचे से देते हैं, मैं बोल नहीं रहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि देते ही होंगे, बट स्टिल बाहर जो अमाउंट, जो बाहर जो प्राइस है वो यही चल रहा है कि 16-17, 16-17। जो 4 GB का वेरिएंट है वो मिल रहा है 16 के आसपास में, जो कि है 2 से 2,500 रुपये महंगा मिलता है मार्केट में। तो अगर
ऐसा कुछ इंटरनली चल रहा है, तो प्लीज़ उसको ध्यान दें। और आप लोग ये कर सकते हैं कि आप डाल सकते हैं MI पे कंप्लेंट, और कंप्लेंट करने के लिए जिस आपको MI की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाना है, और सपोर्ट पे जाके वहाँ पे आपको कस्टमर केयर पे या कहीं भी एक मेल ड्रॉप कर दो उनको, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये सब हो क्या रहा है, ताकि कुछ ना कुछ तो यार एक्शन लिया जाएगा। अगर साथ में सब खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो यूनिटी बनेगी बॉस, और फिर फ़ायदा ही होगा अपने को, क्योंकि हम सारे कस्टमर्स हैं, हम जानते हैं कि मतलब सामने वाले से कैसा बिहेव करना है और बेस्ट सर्विस हम कैसे पा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और अगर कुछ ऐसे एक्सटेंशन या ऐसा आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत करी है और मैं अब फेडअप हो चुका हूँ इस चीज़ से कि MI का जो ऑफिशियल स्टोर है वहाँ से भी, और जो एक्सटेंशन यूज़ करने के बावजूद अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, फिर भी अगर आप नहीं मिल आपको नहीं मिल रहा फ़ोन, तो यार जो जेन्युइन बायर्स हैं उनको मिलना चाहिए, और उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए उनका अगर उनको चाहिए तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो मैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं, हम आपको बेटर सपोर्ट मिलेगा, बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा कंपनी, और हम सब की तरफ से एक अच्छी कम्युनिटी बन पाएगी। और बस यही था आज की वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना जो भी मतलब थोड़ा परेशान हो रहा है इस बारे में कि फ़ोन नहीं मिल पा रहे उनको, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ठोक के जाना और सब्सक्राइब बटन को भी ठोक के ही जाना, ताकि उस वो जो जो काले से वो पीला हो जाए और लाल से तो लाल ही रहेगा वो, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन दबा सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए जब भी मैं कोई वीडियो नई अपलोड करूँगा, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, दिस इज साइनिंग आउट राइट नाउ, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल राइट नाउ।